हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता की एनसीईआरटी कक्षा। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद क्लास 12th का सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी। तो ये चैप्टर है आपका रीजनल एस्पिरेशन का। वी आर कवरिंग क्लास 12th पॉल साइंस एनसीईआरटी एंड वी आर कवरिंग द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एनसीईआरटी व्हिच इज रीजनल एस्पिरेशन टुडे। तो आज हम रीजन एंड नेशन इन दोनों को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट इन इंडिया वी हैव डिफरेंट रीजन्स, राइट? How unity and diversity could be respected and it was maintained and protected in India of when it comes to different regions that make up the nation. We are going to study that. What were India's approach to nation building? What basically is the reason behind India's strong approach to diversity? We are going to study all of that. ये आज का topic, if you are preparing for UPSC ना, तो ये topic is going to be really important for GS paper 2. And if you have public administration as optional, then also this topic is going to be really important. Paper 2 के लिए, PubAT के लिए ये topic बहुत important है. For your essay paper also this topic is really important. You need to understand India's principles, India's approaches towards nation building. Only then your base for essay, PubAT and GS paper 2 will become strong. Okay, let's get started. Even if you have PSIR as optional, then also it is going to be really important. When we talk about India's approach towards nation building, what was India's idea of nation building? Basically, India, used to talk about two basic principles for nation building. Indian leaders, they held to these two basic principles for nation building. First is unity, second is diversity. These are our two basic principles. The Indian approach in nation building is to balance the principles. तो हमारा अप्रोच क्या है, इन दोनों ही प्रिंसिपल्स को हमको बैलेंस करना है। वी नीड टू बैलेंस दीज टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज यूनिटी, सेकंड इज डाइवर्सिटी। पहला प्रिंसिपल है यूनिटी, एकता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एकता। सेकंड इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज नोन एज विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं विविधता, यूनिटी को बोलते हैं एकता। तो वी हैव टू बैलेंस दीज टू प्रिंसिपल्स, ओनली देन अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बिल्ड अप। बिकॉज इन अ नेशन वी सी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, लिटरेचर एटसेट्रा। सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन वन नेशन। सो वी नीड टू बैलेंस बोथ द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सो दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बिल्ड अप। सो दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट अप्रोच टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, टू बैलेंस द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। So, the one basic principle of the Indian approach to diversity, vividhata maintain karne ke liye, vividhata ko barkarar rakhne ke liye, India ka jo ek matra basic principle hai, wo kya hai? What is that basic principle to maintain and protect diversity? That the Indian nation will not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. India would accept and respect all the different cultures. हम इंडियन लीडर्स या इंडियन नेशन, इंडिया एज अ नेशन, किसी भी रीजन या लैंग्वेज ग्रुप का, लिंग्विस्टिक ग्रुप के जो राइट्स हैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के, वो राइट्स छीनेंगे नहीं उनसे। वी विल अलाउ एवरी रीजन टू मेंटेन देयर ओन लिंग्विस्टिक एंड रीजनल कल्चर। हम हर रीजन को फुल परमिशन देंगे कि आप अपने रीजन को, अपने रीजन का कल्चर ट्रेडिशन मेंटेन करो। एंड दैट इज हाउ वी रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। इफ दे आस्क यू दैट इंडिया एज अ नेशन हाउ शुड इट प्रोटेक्ट इट्स डाइवर्सिटी, यूजिंग दिस बेसिक प्रिंसिपल वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाइवर्सिटी। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई हमारे भारत में इतनी विविधता है, इतने सारे डाइवर्स रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, कैसे प्रोटेक्ट करें उनको, इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके प्रोटेक्ट करना है। सो प्लीज डू नॉट टेक दिस लेक्चर फॉर ग्रांटेड। दिस लेक्चर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन योर एंटायर यूपीएससी जर्नी। दिस इफ यू हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल देन ऑल्सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। आज अगर आपके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तब भी ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉर जीएस पेपर 1 वी हैव डाइवर्सिटी एज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, तो उसके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया हैज ऑलवेज यूज्ड द डेमोक्रेटिक अप्रोच। इंडिया ने हमेशा अपने हर काम में, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, सो दैट इज वाई वी हैव ऑलवेज टेकन द डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी की बात होती है हम हमेशा डेमोक्रेटिकली देखते हैं। नाउ व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक अप्रोच? डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। इट डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। हम कभी भी किसी भी रीजन के एस्पिरेशन को एंटी नेशनल करार नहीं करते। हम हमेशा उन्हें पोलिटिकल
एक्सप्रेशन देते हैं. वी ऑलवेज अलाउ एवरी रीजन टू पॉलिटिकली एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशन थ्रू देयर चोजन गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, थ्रू देयर चोजन पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑर्गेनाइजेशंस. Why these organizations, governments, different state governments, political parties, representatives are chosen? So that these regional aspirations can be expressed nationwide. हम किसी भी aspiration को anti-national करार नहीं देंगे. If it is not as per the vision of these, you know, central government, it will not be declared as anti-national. Why? Because that is the democratic approach. That is why there are different organizations, different state governments, different political parties and representatives, so that people of different regions can speak up their aspirations. Okay, so that is the first aspect, how India chooses the democratic approach to lead a nation. Now when we talk about that, you know, that India has democratic politics, right, in our nation, hamare nation mein democratic politics hai. What do we mean by that? Democratic politics also means that regional issues and regional problems, they will receive adequate attention and accommodation, that is representation, in the policy making process also. If there are any regional issues or problems, they will be represented in the policy making process also. Hum jo bhi policy banayenge, usme we will keep in mind the regional issues. Whatever policies we will frame at the center, regional issues will be reflected and they will be solved during these policy making process. Ye jo pura process hai policies banane ka, schemes banane ka, acts banane ka, usme hum due attention denge regional issues ko bhi, so that their problems and issues can be solved. That is the meaning of democratic politics. Again, very important aspect for your GS paper 2 answer writing and for your essay ka answer writing. Now these regional issues, we have seen them in the case of Jammu and Kashmir, in the case of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Gujarat. In some parts of southern India, there were protests against making the Hindi the official language of the country. Few weeks back also it was in news. Abhi kuch hafte pehle bhi news mein tha ki bhai Hindi ko official language country ki nahi banana. There were protests going on in southern India. These are the regional issues that we as a nation face every day. Plus there are issues related to redrawing the internal boundaries of the country. Abhi jo internal boundaries hoti hai state ki, usko lekar bhi issue hote hain. For example in Jammu and Kashmir, for example in Punjab. पंजाब एंड हरियाणा के बीच में हमेशा बाउंड्री को लेकर प्रॉब्लम रहती है. इन नॉर्थ ईस्ट नेशंस आल्सो रिलेटेड टू बाउंड्रीज देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स. त्रिपुरा में अगर आप देखोगे, त्रिपुरा एंड मिजोरम, द ब्रू कम्युनिटी, दे आर ब्रू एंड रियांग कमिटी, यू नो कम्युनिटी, दे आर फेसिंग द बाउंड्री रिलेटेड इशूज, द यू नो सिटीजनशिप रिलेटेड इशूज. ऑल दीज आर रीजनल इशूज दैट आर नेशन फेसेस. नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब यहाँ पर हम ना अभी जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल लेने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लुक और यू कैन से पीप इन टू द रीजनल इशूज राइट नाउ. वेन वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर ओवर हियर, द कश्मीर इशू ऑलवेज इट इज न्यूज. यहाँ पर कश्मीर इशू हमेशा न्यूज में रहता है ना. सो वॉट इज दिस कश्मीर इशू? इट इज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ये एक मेजर इशू रहता है. जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस ऑफ, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज इट द पीडीएफ विल नॉट बी गिवन, तो आपको यहां से नोट्स बनाने हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री काइंड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन. सो राइट इट डाउन, कंप्राइजेस ऑफ थ्री सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स. एंड वी नो व्हेनेवर देयर आर पॉलिटिकल रीजन्स इन्वॉल्व्ड, द कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीजेस. बिकॉज जम्मू इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स. जम्मू में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप पाओगे फुटहिल्स, यहाँ पर आपको प्लेन एरियाज मिलेंगे, ठीक है, प्लेन्स आर ऑलवेज देयर. एंड लद्दाख में अगर हम देखेंगे, इफ वी लुक एट लद्दाख, हेयर इन लद्दाख इट इज अ माउंटेनियस रीजन. लद्दाख जो है आपका, वो एक माउंटेनियस रीजन है. इट इज अ माउंटेनियस रीजन, ओके. इट हैज अ वेरी लिटिल पॉपुलेशन and it is equally divided between the Buddhist and the Muslims. यहाँ पर आप देखोगे population बहुत कम है और जितनी भी है ना वो दो parts में divide है, Buddhist and Muslims. And when we go to the period before 1947, अगर हम 1947 से पहले जाएं, Jammu and Kashmir was not a state, it was a princely state. कोई ऐसा proper state नहीं था, ये princely state था. That means there was a prince who was ruling the, you know, state. The state was having, यहाँ पर before 1947, it was having a majority of
मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, बट द रूलर वॉज अ हिंदू, यहाँ पर जो रूलर थे वो हिंदू थे, राजा हरी सिंह, ठीक है, ही वॉज द हिंदू रूलर, दैट वॉज बिफोर 1947. एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1947 पाकिस्तान बेसिकली सेंट, राइट इट डाउन, इट सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्होंने ना एक ट्राइबल आर्मी भेज दी थी, इन्फिल्ट्रेटर्स भेज दिए थे फ्रॉम इट साइड, वाई टू कैप्चर, राइट इट डाउन, टू कैप्चर कश्मीर, कश्मीर को कैप्चर करने के लिए इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर भेज दिए थे, एंड दैट इज वाई राजा हरी सिंह वॉज फोर्स्ड टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प. हरी सिंह ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी को कॉन्टैक्ट किया, ही कॉन्टैक्टेड जवाहरलाल नेहरू जी, ही आस्क्ड फॉर द मिलिट्री हेल्प टू सेंड अवे दीज इन्फिल्ट्रेटर्स, एंड इंडियन आर्मी केम टू द हेल्प ऑफ हरी सिंह, इंडियन आर्मी दौड़ी चली आई हरी सिंह की हेल्प करने के लिए, एंड दे सेंट बैक दीज इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर वैली, एंड देन एट दैट टाइम देर वॉज यू नो ट्रीटी हरी सिंह के बीच में, राजा हरी सिंह के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, देर वॉज अ ट्रीटी विच वॉज साइन, विच इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज यू नो बेसिकली टेकन ओवर कश्मीर, अब फाइनली एक्सेशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को अपने पास ले लिया था. नाउ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एज मच पार्ट ऑफ इंडिया एज एनी अदर नेशन. इट वॉज अग्रीड दैट वंस द सिचुएशन विल बी नॉर्मलाइज, व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी असर्टेंड about their future, and India agreed to maintain the autonomy of Jammu and Kashmir. Since then, Jammu and Kashmir ki autonomy bilkul maintained thi, kyunki ye kaha gaya tha, abhi yahan par area na aapka security wise safe nahi hai. Okay? So this was the initial, you know, background of Jammu and Kashmir. Now there are two kinds of disputes that a nation faces, external and internal dispute. When we talk about the external dispute over here, the dispute is related to Pakistan. Because we know that Pakistan has always claimed that Kashmir Valley, the Valley of Kashmir, should be a part of Pakistan. Pakistan ne hamesha Kashmir par apna, claim hamesha kiya hai. And so since time immemorial, we have been in fight with Pakistan because of this claim. We also know that Pakistan had sponsored, please write it down, it had sponsored a tribal invasion. अगर हम भूले नहीं तो 1947 में जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था 1947 में जम्मू एंड कश्मीर पर, दैट वाज पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान साइड ओनली. व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान वाज क्लेमिंग दैट दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज शुड बी अंडर आर कंट्रोल, एंड इंडिया क्लेम्स दिस एरिया अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, वेयर एज पाकिस्तान डिस्क्राइब्स दिस एरिया एज आजाद कश्मीर. And that is the external dispute that India is having with Pakistan. And when we talk about the internal dispute, same region mein we have the internal dispute also. So there is a dispute related to the status of Kashmir. Kashmir ke status ko lekar ye internal dispute chal raha hai within the Indian Union. Status of Kashmir, write it down, within the Indian Union. Indian Union ke andar स्टेटस क्या है कश्मीर का, उसी को लेकर क्वेश्चन चल रहा है. एंड देन वी नो अबाउट आर्टिकल 370 जिसको रिमूव किया गया था 2019 में. आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. एंड वी नो स्टेट, दिस स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमको ये भी पता है. There are special, you know, attentions which provokes two opposite reactions here in Jammu and Kashmir. A section of people outside Jammu and Kashmir feels that Article 370 should be revoked, should be cancelled, and Jammu and Kashmir should be like any other state in India. And another section of people, mostly the Kashmiris, they believe that autonomy conferred by Article 370 is not enough. There should be much more further protection given to the people of Kashmir. So that is the internal dispute going on with between Kashmir and the Indian Union. Now there is a very important term called separatism. A kafi important term hai, which is always in news. In India, we have seen separate cases of separatism. What is separatism? Demand for separate statehood within Indian Union.
Now, many a times, the linguistic and the ethnic minorities within the state, because we know, we have studied that there are different kind of groups which are formed within states on the basis of language, ethnicity, tradition, etc. So, various linguistic, that is language-based or ethnic minorities within one state, it can come together, they unite against the majority community. ऐसी कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के डोमिनेशन के अगेंस्ट खड़ी होती हैं. दे फाइट फॉर देयर राइट्स, राइट, फॉर देयर पोजीशन. फॉर एग्जांपल, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इट वैलिडेटेड दी काइंड दिस काइंड ऑफ सब रीजनलिज्म. द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, छत्तीसगढ़. ऑल ऑफ दीज स्टेट्स वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ये सारे जो स्टेट्स बने हैं ना, ये इसी सेपरेटिज्म के, बोल सकते हो आप, एक सब ब्रांच की वजह से बने हैं. Okay, there have been many demands including the creation of Bodo land for the Bodo speakers in Assam, Gorkha land for the ethnic Gorkha, that is the Nepali people in West Bengal, Bundelkhand state which covers majority part of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, for promoting the development of the region. Then there is a demand for full statehood. आप देखोगे कि full statehood के भी demands यहाँ पर निकल कर आते हैं for New Delhi, that is also part of this point only. Okay, and most of these demands have been accepted. For example, in 1971, this is important for prelims, in 1971 Himachal Pradesh got the full statehood. Thereafter Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh and Sikkim, they also got full statehoods. So ye separatism ke andar hi aa jata hai aapka. Theek hai, point clear ho gaya yahan tak? That is the meaning of separatism. Now there is another important term that we should understand, which is known as secessionism. What is secessionism? It is also kind of regionalism, just like separatism that we studied. But separatism demands for separate statehood within the Indian Union. But secessionism says that we should form separate nation and we should leave the existing nation. अब separatism में हमने पढ़ा था कि separate state India के अंदर ही हम अलग से state हमें अपना चाहिए. Secessionism का मतलब होता है कि हमें इंडिया को छोड़ना है, अपना खुद का नेशन बनाना है. On the basis of ethnicity or any other factor. For example, the creation of the fundamentalist groups like ISAC, Muvias, National Socialist Council of Nagaland. Then there are groups like ULFA in Assam. They are the examples of such an extreme dimension of regionalism. Secessionism and separatism both are part of regionalism only. Okay. Then there are demands for regional autonomy within a state. Right? For example, the demands of Ladakhs ki bhaiya, Ladakhis, that we want a regional status. So, yahan par ye jo sare demands hamare India mein aate hai na, this is also important for GS paper 3, internal security paper ke liye bhi these terms are important. These all demands are a part of regionalism only. Now, let us understand what is the reason behind the growth of regionalism in India. There are different reasons why the regionalism grows in a particular nation. Now in India, there are historical and geographical isolation. That is also a reason. Some of the northeastern states, mountainous states, right? Because of the geographical isolation of those states with the other parts of India, this kind of regionalism mentality grows. Lopsided development, faulty development in some regions, ill-conceived top-down approach or any kind of political vested interest of the political parties, that also, comes out as the reason why regionalism grows in India. Reaction to an imposed ideology that can make its appearance as a reaction against the perceived imposition of a particular ideology, that is also one of the reason. Then this is also because of expression of ethnicity. Write it down. Agar koi community apni ethnicity ko express karna chahta hai, then also it is considered as regionalism. Expression of ethnicity. Write it down. All right. So these are the different kind of reasons why regionalism grows in India. And because regionalism grows, there are rise of regional parties. Ab iska impact kya padta hai? What is the impact of regionalism? Regional parties increase in a nation. Refocus of the government towards the regional issues. When regionalism rises, to jitne bhi regional issues hain, uske taraf government ka focus badhna shuru ho jata hai. Regional movements, they start up, right? Regionalism sometimes also undercuts the national interest by being a hurdle in the international democracy. Okay, now they can ask you, what is the difference between regionalism and nationalism?
रीजनलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंट डिफरेंस क्या होता है? देखो, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रीजनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन. इट इज अ फीलिंग दैट वी शेयर विद ऑल द अदर सिटीजंस ऑफ द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ अवर कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन और रीजन. दैट इज नेशनलिज्म. And this leads to the formation of, you know, multiple communities within one nation, which shows national integration. That is nationalism. तो हमने nationalism का मतलब ना 11th class के NCERT में पढ़ा था, and अब हमने 12th में regionalism पढ़ लिया है. तो now we can easily differentiate between nationalism and regionalism. Now the, you know, if the question is regionalism a threat? Yes, it can act as a threat, because pro-archaeal regionalism poses a threat to the sovereignty of a nation. For example, the anti-migrant or anti-Bihari stance of the Maharashtra Navnirman Sena. And we know that regionalism beyond a point can lead to secessionism also, which acts as a strong, you can say, threat towards the sovereignty of a nation. For example, the growth of Khalistani terrorism. That is also an example. Regionalism also often promotes the vote bank politics, which weakens the national integration. It can weaken the time-tested fabric of unity and diversity if it is promoted in an ultra manner. But there is positive regionalism also. If positive regionalism is promoted, it can promote a sense of pride in connecting to one's own roots and culture also. So we can say that in principle, regionalism need not be regarded as an unhealthy or anti-national phenomenon unless it takes a militant, aggressive turn to encourage the growth of secessionist tendencies. Okay? So we have to make sure that unity in diversity ethos, it needs to be preserved for the pluralistic character of the Indian nation. The accommodation of multiple aspirations of a diverse population is also necessary. And then there was a creation of Niti Aayog. It has also been a positive step to enhance the cooperative federalism by fostering involvement of state governments in Indian economic policy making process using a bottom-up approach, not the top-down approach, the bottom-up approach. So this was your chapter all about. So now let's have a look at the homework questions. So these are the three questions for homework. First question is, state the difference between secessionism and separatism, regionalism and nationalism. You have to give examples also in each of these differences. Jab bhi aap se, whenever in question they ask you the difference, you have to also support your answer with examples. Okay, I have seen many students, they do not give any example. That is not how you write an answer. You have to support your answer with example. Okay. Then second question is, regionalism a threat to national unity and integrity? You have to discuss. Third question, again yahan par aap example de sakte ho. Explain what is regionalism and its impact on Indian polity. Just now we have discussed it. Okay, idhar bhi aapko examples dene hain. So the time to submit these answers would be, it would be 6 September 2022 by 10 p.m. तो कल रात 10 बजे तक जिन बच्चों ने इस बैच में एनरोल किया है वो अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे. ओके, so this was today's lecture. We are concluding it now. Thank you and have a wonderful night ahead.